हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शमशाद हेयर। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आवर गोल ऑफ दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर इज टू मेक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट एज वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। सो इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माय चैनल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। वेलकम एवरीवन। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है एनकोडर। ये लेक्चर 16 है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था वो मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर के ऊपर था। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला प्रीवियस लेक्चर मल्टीप्लेक्सर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले उस लेक्चर को कम्प्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ इस लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर का ही यूज करेंगे हम लोग। एनकोडर क्या होता है, एनकोडर कैसे वर्क करता है, आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। So let's start today's topic. Encoder and decoder. Okay. What is encoder? Mainly encoder क्या होता है कि हम लोगों ने इससे पहले जो मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक देखा था, फिर से मैं हम लोग उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा, क्योंकि उसी टॉपिक को यूज करके हम लोग एनकोडर को डिजाइन करेंगे। देखिए बेसिकली क्या देखा था हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर में, कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, सिंपली एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं। ओके, मल्टीपल इनपुट हाउ मच, इट इज 2 to the power n इनपुट। ओके, एंड सिंगल आउटपुट होता है, ओनली वन आउटपुट इज देयर। जबकि सेलेक्ट लाइन कितना होता है, सेलेक्ट लाइन होता है n नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन होता है, कितना होता है वो n होता है। अगर किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का इस तरह से स्ट्रक्चर हो कि इनपुट लाइन उसमें कितना हो 2 to the power n, आउटपुट लाइन कितना हो सिंगल, एंड सेलेक्ट लाइन कितना हो n। जैसे मैं बात करूं अगर 8:1 मक्स का, जैसे मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि 8:1 मक्स क्या होता है, तो यहां पे नंबर ऑफ इनपुट लाइन कितना होता है 8 होता है। ओके, 2 to the power 3, ओके 8 इनपुट लाइन होता है। और आपका सेलेक्ट लाइन कितना हो जाएगा 2 to the power 3 का मतलब क्या, n कितना है, n का वैल्यू 3 है, तो सेलेक्ट लाइन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कौन कौन हो जाएगा, S2, S1, S0। ये मैंने पहले लेक्चर में अपना सारा ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस लेक्चर को पहले देखें और उसके बाद इसको समझें। तो ये मल्टीप्लेक्सर मैंने वहां पे डिजाइन किया था कि 8:1 मक्स कैसे बनता है, 8:1 मक्स में कितना इनपुट होता है, कितना आउटपुट होता है और कितने सेलेक्ट लाइन होते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक एनकोडर है, इसलिए मैं इसको यूज करूंगा। कैसे, देखिए एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर में क्या फर्क होता है, मेनली आप यहां मल्टीप्लेक्सर रखिए। एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनपुट लाइन इसमें भी मल्टीपल होता है जैसा कि मल्टीप्लेक्सर में होता है। मल्टीप्लेक्सर में आपने क्या पढ़ा कि मल्टीपल इनपुट लाइन होता है, तो एनकोडर में भी क्या होता है, मल्टीपल इनपुट लाइन होता है। जैसे ये 8:1 है तो हम एनकोडर ड्रा करेंगे तो इसमें भी इनपुट लाइन कितना होगा 8 ही होगा। लेकिन आउटपुट लाइन क्या होता है, आउटपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन एनकोडर में एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जितना नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर में होता था वो सेलेक्ट लाइन कहां जाता है, आउटपुट में आ जाता है। और ये आउटपुट जो सिंगल है वो कहां चला जाता है, सेलेक्ट लाइन की जगह आ जाता है, लेकिन नाम चेंज हो जाता है। ये सेलेक्ट लाइन का नाम यहां जाने के बाद आउटपुट हो जाता है और ये आउटपुट का नेम यहां आने के बाद इनेबल इनपुट हो जाता है। यानी कैसा हो जाएगा मेरा सर्किटरी हो जाएगा यहां पे सिंपल, एक कॉम्बिनेशन सर्किट में यहां एक हम क्या कर देंगे, एक इनपुट लगा देंगे जिसको कहेंगे इनेबल इनपुट, जिसको ई से इंडिकेट करेंगे। ओके, ये क्या है, बेसिकली आउटपुट को ही समझिए, एक तरह से आउटपुट सिंगल था, यहाँ इनेबल इनपुट सिंगल हो जाएगा। ओके, ये सेलेक्ट लाइन, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितना होता था, हमेशा 2 to the power n के फॉर्म में, n इज द सेलेक्ट लाइन। जैसे 8 था 2 to the power 3, तो 3 सेलेक्ट लाइन था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनपुट लेंगे तो साथ में आउटपुट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन के बराबर, मतलब कितना 8:1 था मल्टीप्लेक्सर, तो 3 सेलेक्ट लाइन था। तो यहाँ एनकोडर में क्या हो जाएगा, ये जो नंबर ऑफ आउटपुट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सेलेक्ट लाइन यहाँ पे कितना था, 3 था। तो ये ऊपर वाला क्या था, ये ऊपर वाला था 8:1 मक्स। ओके, और ये नीचे में हम लोग क्या ड्रा किया, इसका नाम हो जाएगा 8:3 एनकोडर। इसका नाम क्या होगा, 8:3 एनकोडर। ओके, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या देखा हम लोगों ने, ये भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। लेकिन मल्टीप्लेक्सर और एनकोडर में क्या फर्क हो गया, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसमें हम मल्टीपल इनपुट को, यानी 2 to the power n इनपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं विद द कंट्रोल ऑफ सेलेक्ट लाइन। ओके, सेलेक्ट लाइन क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, कौन सा इनपुट क्या होगा, आउटपुट की तरफ ट्रांसफर होगा। जबकि एनकोडर में क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट यानी सेम
2 टू द पावर n इनपुट को हम लोग n आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर करते हैं, n आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर करते हैं, और किसके कंट्रोल के हेल्प से, इनेबल, इनेबल इनपुट के कंट्रोलिंग से। जब इनेबल इनपुट आपका इनेबल होगा, ई अगर इनेबल होगा तब ये वर्क करेगा, और अगर ई अगर डिसेबल होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। यहां पे मैंने नॉट गेट से कनेक्ट किया इनेबल को, तो जब ई अगर जीरो होगा तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट वर्क करेगा, और ई अगर वन हो जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो यही चीज हम लोग आज एनकोडर में पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। ये 8:3 मैंने एनकोडर बनाया, वैसा ही आपने पढ़ा था 4:1 मक्स पढ़ा था, जिसमें दो सिलेक्ट लाइन होता था 2 to the power 2:1, यानी सिलेक्ट लाइन कितना था इसमें, एन बराबर 2 था। तो वैसे ही जब हम लोग एनकोडर पढ़ेंगे, यानी 4:2 क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट लाइन यहाँ आ जाएगा, तो 4:2 एनकोडर कहलाएगा। ओके, बारी बारी से हर बार यही होगा कि एनकोडर में क्या करेंगे, जैसा आप लोगों ने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है ना, सेम मल्टीप्लेक्सर में इनपुट वैसा ही रहेगा, सिर्फ आउटपुट में क्या चेंज हो जाएगा, जितना सिलेक्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर का था उतना ही इसका आउटपुट हो जाएगा, और सिलेक्ट लाइन की जगह इसमें क्या हो जाएगा, इनेबल इनपुट हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि मैंने इससे पहले मल्टीप्लेक्सर को डिटेल में समझाया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। आगे आते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा 16:1 मार्क्स, ओके, उसमें सिलेक्ट लाइन कितना था, तो सिलेक्ट लाइन कितना था 4, क्योंकि 2 to the power 4 = 16, सिलेक्ट लाइन 4 था। तो अब हम बोलेंगे कि अगर हमको डिजाइन करना होगा 16:4 एनकोडर, तो सिंपली क्या होगा, इसमें भी 16 इनपुट होगा, सिलेक्ट लाइन इसमें जितना 4 था, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। एनकोडर में क्या हो जाएगा, सिलेक्ट लाइन आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है, इनपुट वैसा ही रहता है एज इट इज। ओके, 2 to the power n इनपुट रहेगा, n आउटपुट रहेगा, और एक क्या हो जाएगा, इनेबल इनपुट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 16:4 एनकोडर। तो मैंने तीन तरह का एनकोडर यहाँ पे एक्सप्लेन किया पहले आपको। पहला एनकोडर का नाम था क्या, 4:1 एनकोडर, सॉरी इट इज द मल्टीप्लेक्सर, 4:2 एनकोडर। ओके, दूसरा मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे 8:3 एनकोडर। ओके, और चौथा क्या है, 16:4 एनकोडर। तो ऐसा ऐसा जितना भी तरह का आप मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, बस कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लेक्सर में देखना है कि कितना सिलेक्ट लाइन है, उसको उसकी क्या करना है, एनकोडर में उसको आउटपुट में रख देना है। जितना सिलेक्ट लाइन आपके मल्टीप्लेक्सर में था उसको आउटपुट में चेंज कर देना, आउटपुट से एक्सचेंज कर देना, और इनेबल इनपुट को एज इट इज छोड़ देना है, तो वो क्या बन जाएगा, एनकोडर बन जाएगा। तो इसको हम लोग थियोरेटिकली वेरीफाई कर लें और थोड़ा सा इसका ट्रुथ टेबल वगैरह देख लें, तो देखते हैं हम लोग इसका पूरा कंप्लीट सर्किटरी। ओके, तो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो बेसिक यही लिखा हुआ, जो चीज मैंने समझाया अभी, सारे चीज यहां मेंशन है कि एनकोडर क्या होता है, इसमें मेनी इनपुट लाइन होता है और मेनी आउटपुट लाइन होता है। ओके, तो ये मेनी इनपुट कितना होगा, 2 to the power n, और मेनी आउटपुट कितना होगा, तो n होगा। ओके, अब इनेबल इनपुट कितना होगा, इनेबल इनपुट तो सिंगल होगा हमेशा, इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, जैसा कि मल्टीप्लेक्सर है वैसे ये भी कॉम्बिनेशन सर्किट, जिसमें 2 to the power n इनपुट लाइन होता है और n यूनिक आउटपुट लाइन होता है, जो मैंने अभी बताया आपको वही सारा चीज है। इनपुट लाइन कितना होगा, 2 to the power n, आउटपुट लाइन कितना होगा, n, और इनेबल इनपुट कितना होगा, इनेबल इनपुट 1 होगा। ओके, एनकोडिंग इज परफॉर्म बाय दिस लॉजिकल सर्किट नोन एज एनकोडर। कह रहे हैं कि जहां भी एनकोडिंग करते हैं, एनकोडिंग कहां यूज होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ा था पहले कम्युनिकेशन में, कहीं भी आप लोग सुना होगा जाहिर इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन करने के लिए वहां पे क्या होता है, मेनली एनकोडिंग का यूज किया जाता है। किसी भी डेटा बिट को जो हम लोग को ट्रांसफर करना होता है एक सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो उसमें क्या करते हैं, पहले डेटा को एनकोड करते हैं, उसके बाद उसको भेजते हैं। तो ये एनकोडिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस एनकोडर का यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं एनकोडर का, 4:2, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि 4:2 अगर मल्टीप्लेक्सर में बात करते तो ये होता 4:1। क्यों, क्योंकि सेलेक्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर में दो सेलेक्ट लाइन होता है, यहाँ पे आउटपुट होता है वो। तो देखिए 4 इनपुट है और 2 आउटपुट है और एक इनेबल, तो ये कहलाएगा 4:2 एनकोडर। आगे आते हैं ट्रुथ टेबल, इसी 4:2 का एनकोडर का ट्रुथ टेबल अगर हम लोग देखें, तो यहां देखिए अगर इनेबल इनपुट के बारे में मैंने कहा था कि ये नॉट गेट से कम, यहाँ पे जो बबल है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यानी ये किस पे इनेबल होगा, 0 पे। नॉट गेट में क्या होता है, नॉट में मालूम है कि नॉट में क्या होता है फंक्शन में, कि अगर आप यहां 0 रखेंगे तो ये 1 देगा, ये जानते हैं। तो यहां पे आप 0 रखेंगे तो ये क्या करेगा, 1 देगा, मतलब इसको इनेबल करेगा। अगर आप यहां 1 देंगे तो ये इसको 0 देगा, मतलब ये डिसेबल कर देगा। क्लियर, तो मैं वही यहां पे दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपका इनपुट है लाइन है और ये आपका आउटपुट है। तो अगर इनेबल इनपुट 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको 0 देने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, सर्किट डिसेबल हो जाएगा, ये एनकोडर जो हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा। तो ये सारा इनपुट कुछ भी आप यहां पे अप्लाई करेंगे कोई पास नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हमको। ओके, अगर 0 रखेंगे यानी इनेबल को हर बार हमको क्या रखना पड़ेगा, यहां पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये सर्किट वर्क करे। अगर हमको एनकोडर को वर्क कराना है तो हमेशा इनेबल इनपुट को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग इसके ट्रुथ टेबल के ऊपर। तो सबसे पहला अगर हमको D0 पे इनपुट अप्लाई करना है, D0 के इनपुट को पास करना है, ओके,
हम लोग क्या कर रहे हैं, D0 जो पहला आपका इनपुट टर्मिनल है इस पे हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और इसको आउटपुट में पास कर रहे हैं, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, Q1 और Q0 पे हम लोग आउटपुट देखेंगे। Q1 और Q0 क्या हो जाएगा, जीरो के लिए क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है। अगर हम लोग D1 पे पास करेंगे इनपुट, D1 पे D1 को इनेबल करेंगे, तो यहां आउटपुट क्या मिलेगा हमको, किस फॉर्म में मिलेगा, 0 1। Q0 इनेबल हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, डिसेबल, यानी इस फॉर्म में। तो मतलब किस पे, जहां हम लोग आउटपुट देखेंगे, यहां पे बारी बारी से आउटपुट देखेंगे। अगर आउटपुट आपका 0 1 है, इसका मतलब है कि इनपुट कहां से आया, D1 सिलेक्ट लाइन से होते हुए, D1 इनपुट से होते हुए, इनपुट लाइन से होते हुए आउटपुट आया है। ओके, तो हम बारी बारी से देखेंगे किस इनपुट लाइन को हम लोग इनेबल किए हुए हैं, कौन सा इनपुट लाइन यहां आ रहा है आउटपुट में कन्वर्ट होके। ओके, तो यहां बारी बारी से देखेंगे, 1 0 अगर है तो कौन सा इनपुट लाइन इनेबल हो जाएगा, D2। अगर 1 1 है तो कौन हो जाएगा, D3। ओके, जैसे हम देखेंगे यहां 1 1 है तो कौन सा आ रहा है पास होके, D3 आ रहा है। अगर यहां 1 0 है, Q1 1 है और ये 0 है, तो मतलब D2। अगर 0 1 है तो क्या आएगा, D1, सो ऑन। यहां ट्रुथ टेबल में ये चीज दिखाया गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा चीज है, ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, हम लोग आगे इसको और भी डिटेल में देखेंगे। एनकोडर के पास डिकोड प्रायोरिटी एनकोडर हम लोगों को पढ़ना है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे आपको डिटेल में ये समझाया जाएगा और भी कि कैसे फर्क होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी सिंगल इनपुट आ रहा है, अगर मल्टीपल इनपुट एक साथ इनेबल हो जाए, यानी अगर D0 पे भी आ जाए, D1 पे आ जाए, D2 पे आ जाए, सब पे एक साथ इनपुट आ जाए, तो कौन सा इनपुट को यहाँ आउटपुट शो करेगा, यानी एनकोडर किसको पास करेगा और किसको नहीं पास करेगा, तो हम लोग उस केस में देखेंगे प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में आगे। ओके, तो अभी आते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल टू बाइनरी का मतलब क्या, ऑक्टल मीन्स 8 होता है। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, वही मैंने कहा था कि एनकोडर में हमेशा देखेंगे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एन होता है। एनकोडर में आउटपुट क्या होता है, सेलेक्ट लाइन के बराबर होता है, एन के बराबर। इनपुट क्या होता है, 2 to the power n, आउटपुट क्या होता है, एन। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर 8 है, 2 to the power n, 8 है, 2 to the power 3, मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट 3 हो जाएगा। तो यहां यही चीज लिखा गया, नंबर ऑफ इनपुट लाइन कितना होगा, 8 होगा, नंबर ऑफ आउटपुट लाइन कितना होगा, 3 होगा, और इनेबल कितना होगा, 1 होगा सिंपली। तो हम लोग देख लें इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम देख लें कैसा होगा, और ट्रुथ टेबल देख लें कैसा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि ब्लॉक डायग्राम सिंपली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, 8:3 का, इस तरह से कि 8 इनपुट होगा और 3 आउटपुट होगा और 1 इनेबल लाइन होगा। ओके, 16:1 का अगर बोला जाए तो सेम ऐसे ही होगा, 16 इनपुट होगा और 2 to the power कितना, 16 कितना होगा, 2 to the power 4, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 16:4 एनकोडर, इनेबल तो वैसे ही 1 रहेगा। तो हम लोग ट्रुथ टेबल बारी बारी से अगर देखें तो कैसा हो जाएगा ट्रुथ टेबल, पहले ही हम लोग ट्रुथ टेबल जो पढ़ा है, अगर पहले वाला अगर ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आसानी समझ में आएगा। इनेबल लाइन कब, मतलब ये सारा इनपुट कब वर्क करेगा, जब इनेबल इनपुट क्या होगा, 0 होगा, तो मैंने ये दे दिया। जब 1 होगा तो क्या हो, ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर D0 का बात करें तो सबको 0 रहना होगा। अगर 001 है, यानी कि Q2 0 है, Q1 भी 0 है और Q0 क्या है, 1 है, तो D1 सेलेक्ट होगा। ओके, D1 का इनपुट पास होगा। सिमिलरली 010 है तो D2 पास होगा, 011 है तो क्या पास होगा, D3 पास होगा। ये जैसे आप लोग पढ़ा है, क्या लिखते हैं ट्रुथ टेबल, तीन वेरिएबल का ट्रुथ टेबल जैसे लिखते हैं ना, वैसे ही सिंपली बनाइए। और जो इसका बाइनरी से देखेंगे, ये सिंपली कन्वर्जन क्या कहलाता है, अगर 3 है तो D3 पास हो रहा है, 4 है तो D4 पास हो रहा है, सो ऑन। ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने समझाने के लिए इस तरह से आपको समझा दिया कि कैसे इनपुट पास होता है, कैसे इनपुट यानी यहां का इनपुट कैसे सेलेक्ट होकर आउटपुट में जाएगा, यानी आउटपुट लाइन क्या, कौन सा आउटपुट लाइन हाई होगा, कौन सा आउटपुट लाइन लो होगा, कब। मान लीजिए सपोज D4 मैंने एक्टिवेट किया, D4 को मैंने पास किया, D4 पे इनपुट अप्लाई किया, तो यहां कौन सा आउटपुट लाइन इनेबल होगा, कौन सा हाई होगा, कौन सा लो होगा, तो 4 के लिए क्या होना चाहिए, 100 4 के लिए क्या होता है, 100, तो ये Q2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए यहां पे ये चीज दिखाया गया है इसमें भी कि आपको D4 अप्लाई करना है। ओके,